बांग्ला फिल्म पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आजमी का प्रीमियर गुरुवार को महानगर के एक मल्टीप्लेक्स में लॉन्च किया गया। इस मौके पर बांग्ला फिल्म जगत के जाने माने सितारे फिल्म का प्रीमियर देखने पहुंचे थे। साथ में फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री अर्पिता चटर्जी शुक्रवार को रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर सभी काफी उत्साहित दिखे। हमारा जो पर्सनल लाइफ उनका जो साधना वो ये फिल्म में लगा रहा है, देखा गया, थोड़ा सा देखा गया। उसके साथ फिल्म का जो कैरेक्टर है मिला जोल के, मिलके जोल के अच्छी तरफ एक कहानी हो गया। হ্যাঁ, আজকে সেই দিনটা যেটা আমাদের বলার দিন শেষ, ছবির কলা কুশলীদের কাজ করার দিন শেষ, বলার দিন শেষ, এবার কিন্তু ওভার টু দ্য অডিয়েন্স। আপনাদের কিরম লাগলো না লাগলো সেইটার ওপর পুরোটাই আমাদের ভরসা করে থাকতে হয়, আপনাদের জন্যই ছবি বানানো। তাই জন্য আমার একটাই অনুরোধ, আমি বারবার করে এসেছি যে বাংলা সিনেমা সঙ্গে থাকতে হবে এবং তাই জন্য হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে হবে। কল সে সব হল মে বুক মাই শো মে দিখাই দেগা, সব হল মে আ রা হ্যায়, তো ইহি হ্যায় কি বহুত ডিফারেন্ট মুভি হ্যায়, স্পিরিচুয়াল থ্রিলার হ্যায়, অর জো হ্যায় কি ইতনা ইন্টারেস্টিং স্টার কাস্ট হ্যায়, তো ইয়ে ফিল্ম কো সব অডিয়েন্স এনজয় করে ইসিলিয়ে বানায়া হুয়া হ্যায়, তো ইসকো এনজয় করনা চাহিয়ে, দেখ কে ফিডব্যাক ভি দেনা চাহিয়ে। आई थिंक बहुत सालों के बाद नहीं, ये फर्स्ट टाइम आई थिंक ऐसे एक स्पिरिचुअल थ्रिलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पे फिल्म बनी है और इसके जो खास कंटेंट है ये बहुत ही बढ़िया है। आई नो फॉर श्योर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जितना मुझे समझ में आया इट्स अ स्पिरिचुअल थ्रिलर, सो ऐसे स्पिरिचुअल थ्रिलर इसके पहले आई डोंट थिंक हम लोग के बंगाली में कभी हुआ है। सो ये पहली बार ऐसा एक नया कुछ ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है बंगाली फिल्म जॉनर में, तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और राजोशीदा का ये फर्स्ट मूवी है, सो राजोशीदा को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, एंटायर टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी।